पढ़ा सकता है धर्म की बात, तो मंदिर का पुजारी भी बन सकता है। यह विरोध केवल नियमों के अनुपालन का है। क्या शिक्षा से ऊपर आज धर्म को मान रहे लोग, मूल्यों का हवाला देके अगर मुसलमान को या फिर दलित को पढ़ाने से रोकते हैं तो हम इसका कड़ा प्रतिरोध करते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में, मैं हूं जब्बार खान। दिन की सबसे बड़ी बहस के साथ में, तो क्या यह मान लिया जाए कि अब धर्म के आधार पर शिक्षा और शिक्षकों का भी बंटवारा हो रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में महज फिरोज खान नाम होने की वजह से उस प्रोफेसर को संस्कृत में और हिंदू धर्म के कर्मकांड पढ़ाने के लिए इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? विरोध क्यों हो रहा है जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन यह कह रहा है कि नियुक्ति नियमों के आधार पर हुई है, हम इसे वापस नहीं लेंगे। यहां तक कि उन्होंने कहा कि अगर महामना जी भी होते तो आज इस नियुक्ति की प्रक्रिया और इस नियुक्ति को जायज ठहराते और इसके समर्थन में खड़े होते। मगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है और इस बीच में फिरोज खान का कुछ अता पता नहीं, मीडिया के सामने वो आ नहीं रहे हैं। मगर इस बीच में तड़का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी लगा दिया है कि अगर ये विरोध थमा नहीं तो फिर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर इसी किस्म का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। तो सवाल यह है कि क्या एक मुद्दा जो अब सियासी रुख अख्तियार कर रहा है और ऐसे में एचआरडी मिनिस्ट्री इन तमाम चीजों पर आंख क्यों बंद किए हुए है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रशासन और वाइस चांसलर की तरफ से बयान आने के बाद माना यह जा रहा कि अब चीजें सामान्य हो जाएंगी, लेकिन ना तो बीएचयू प्रशासन सख्त हो रहा ना ही एचआरडी मिनिस्ट्री, इसके पीछे की वजह क्या है? हम इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराएं, मगर उससे पहले आइए निगाह डाल लेते हैं इस मुद्दे को लेकर के इस वक्त तक की ताजा अपडेट क्या है। हिंदुत्व के मुद्दे पर हंगामा कर रहे ये लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। इन छात्रों का हिंदुत्व जागा है संस्कृत विभाग में एक मुस्लिम अध्यापक की नियुक्ति के बाद। बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया जा रहा है, तमाम तरीके टोटके भी अपनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि प्रदर्शन में हनुमान का नाम भी जपा जा रहा है। हनुमान चालीसा विरोध का जरिया बनी है, वो हनुमान चालीसा जो कहती है कि श्री गुरु महाराज के चरणों की धूल से ही मैं अपने मन को पवित्र करता हूँ, जो चारों फल को देने वाला है। तो अब सवाल यह है कि जिस गुरु के चरणों की धूल से ही मन पवित्र हो जाता है, उस गुरु के नाम पर घमासान क्यों? दलील है कि भला कोई गैर हिंदू अध्यापक भला हिंदू छात्रों के लिए उनके वैदिक और धार्मिक कर्मकांडों का अध्यापन कैसे कर सकता है? फिरोज खान को दूसरे फैकल्टी में नियुक्ति किया जाए, यह धर्म की बात है, धर्म की शंका है, इस पर धर्म की बात होती है। और जो पूछ रहा है ना कि साधु ना पूछे जाती है का, तो राम मंदिर का फैसला हुआ है, फिरोज खान पुजारी बना दो, जब पढ़ा सकता है तो धर्म की पूजा भी कर सकता है मंदिर में। इस यहाँ धर्म शिक्षा होता है, सीधे सीधे तौर पे कहे तो यहाँ पुजारी बनाने की वो पढ़ाई शिक्षा दी जाती है। तो दरअसल किसी को पुजारी बनाया जाता है हम, तो वो ऑब्वियसली उस धर्म का होना चाहिए, जो उस मजहब को जानता है, उस मजहब में जिया है, उस मजहब में रहा, वही उसका धर्म ज्ञान दे सकता है। तो हमारा विरोध संस्कृत भाषा को पढ़ाने को लेकर के नहीं है, संस्कृत भाषा पे सबों का अधिकार होता है लेकिन सांस्कृतिक धर्म पे सबका अधिकार नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मैं कुरान पढ़ लूँ पर मैं मौलवी नहीं हो सकता। छात्रों का हिंदुत्व इस कदर उबाल खा रहा है कि बात सुप्रीम कोर्ट और सर्व समाज तक पहुंचने लगी। छात्र सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में हैं। एक मुस्लिम अध्यापक की नियुक्ति पर अब अदालती फरमान तक लाने की तैयारी है, लेकिन बीएचयू प्रशासन अभी भी खामोश है। प्रशासन अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा है और जब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाता तब तक हम आंदोलन जारी रखें। न्यायिक तौर पर सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और बृहद आह्वान भी कर सकते हैं समस्त हिंदू जनमानस से आंदोलन हेतु। डॉक्टर फिरोज खान के नाम पर विरोध तो भरपूर हुआ, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग उनके समर्थन में भी सामने आए। अगर एक तरफ हनुमान चालीसा को जरिया बनाकर फिरोज खान पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में बैनर पोस्टर्स के साथ भी छात्र सामने आ गए।
उनके भी अपने तर्क वितर्क हैं, उनके भी अपनी राय है, सुनिए। कुछ लंपट छात्र उनके विरोध में बैठ गए ये कह के कि ये महामना के मूल्यों के खिलाफ है। अगर सच में महामना का ऐसा कोई मूल्य है कि संस्कृत सिर्फ हिंदू ही पढ़ा सकता है तो वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ जहाँ तक आई मूल्यों की बात, तो आज से 100 साल पहले 1000 साल पहले ऐसे अनेक मूल्य थे जो कहते थे कि स्त्रियाँ नहीं पढ़ेंगी, लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगे, शूद्र नहीं पढ़ेंगे। आज भी ये उन मूल्यों का हवाला देके अगर मुसलमान को या फिर दलित को पढ़ाने से रोकते हैं तो हम इसका कड़ा प्रतिरोध करते हैं। अब जिस फिरोज खान के नाम पर घमासान मचा है उनके परिवार को भी जानिए। फिरोज खान के पिता रमजान खान भजन कीर्तन करते हैं, दोहे गाते हैं, संस्कृत के ज्ञानी हैं, और फिरोज खान के पिता और परिवार को जानने वाले भी इस विरोध को गलत बता रहे हैं कि जो एक समस्या जिस प्रकार की बन रही है उसमें कुछ सामंजस्य स्थापित करें किस प्रकार जो है और इसका समाधान। आप देख रहे हो ना जिस तरह से, देखिए हमारे जो है जुगल दरबार का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है हमारे बगुर का, बड़ा धाम है ये जुगल दरबार का। वहाँ पर दो विग्रह हमारे सीताराम जी महाराज का और श्री राधे कृष्ण के, दोनों विग्रह, इसलिए उनको युगल सरकार कहते हैं। बहुत बड़ा जिनका मेला लगता है 3 दिन का यहाँ पे जो है, पूरे क्षेत्र में आजकल 50-50 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। उनके ये महंत हैं सेवायत श्री मोहनलाल जी पंडा, इनको सबका पता है, हमारे किसी तरह का भेद नहीं है, ये तो एक दूसरे बिल्कुल जो जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण सिर्फ संस्कृत का ज्ञाता है, आज वो समय नहीं रहा, आज हर वर्ग पढ़ने को तैयार है। बच्चा अगर उसमें इच्छुक है, बच्चा उस चीज में समझ रहा है कि ब्राह्मण का बच्चा दूसरा काम कर रहा है और का बच्चा अगर वो काम कर रहा है तो संस्कृत पढ़ा रहा है, तो इसमें क्या देशता है। अब उसी बीएचयू का एक और पहलू है जहां के उर्दू विभाग में एक हिंदू टीचर शान से पढ़ाते हैं और छात्र उनसे पूरे सम्मान के साथ में पढ़ते हैं। प्रोफेसर ऋषि शर्मा की जबान पर उर्दू भी इतनी साफ है कि अच्छे अच्छे विद्वान भी इतनी सुधरी हुई उर्दू न बोल पाए। यानी 2015 से लेकर 2019 अब खत्म होने जा रहा है, अभी तक इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए के तरफ से या फिर टीचर्स के तरफ से कोई दुश्वारी, कोई भी बात निकल कर सामने नहीं आई। हाँ, एक बात ज़रूर है कि बच्चों, जब बच्चे ये सुनते हैं कि ये ऋषि कुमार शर्मा है, ये उर्दू पढ़ सकते हैं, तो मैं भी क्यों नहीं उर्दू से अपना करियर बना सकता हूँ। जाहिर है संस्कृत विभाग में एक मुस्लिम टीचर की नियुक्ति के इस मामले को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। इन सब के बीच प्रोफेसर फिरोज खान यूनिवर्सिटी से अलग हो गए हैं, नियुक्ति के बाद से यूनिवर्सिटी में कदम भी नहीं रखा। दूसरी तरफ उनके समर्थन और विरोध दोनों में ही दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व के बहाने सियासत के निशाने पर लगी यूनिवर्सिटी से जुड़ा सवाल ये भी उठता है कि धर्म से शिक्षा को जोड़कर देखना सही है या नहीं, और क्या धर्म के बहाने बीएचयू की हवा में हिंदुत्व के सहारे जहर घोलने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो हंगामा कुल मिला जुला करके इतना भर है कि सिर्फ नाम फिरोज खान है, इसलिए संस्कृति भाषा या फिर यूं कहें कि हिंदू कर्मकांड को पढ़ाने की उसे इजाजत नहीं होनी चाहिए या फिर वो नहीं पढ़ा सकता है, इसी को लेकर के हंगामा चल रहा है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही है, उचित है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, अगर सही है तो फिर क्यों। मगर उससे पहले आइए उन सवालों की तरफ आपको ले चलते हैं जो आज R9 टीवी उठा रहा है कि धर्म को शिक्षा से जोड़ना कितना सही है, धर्म के नाम पर शिक्षा और शिक्षकों का बंटवारा क्यों, क्या मुसलमान संस्कृत की शिक्षा नहीं दे सकता, कर्मकांड नहीं पढ़ा सकता, मुसलमान के संस्कृत पढ़ाने पर या फिर हिंदू कर्मकांड की शिक्षा देने पर आपत्ति क्यों है, बीएचयू में हंगामा कहीं अराजक तत्वों की चाल तो नहीं है। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हम कुछ दूसरे भी सवाल लेकर के इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, स्वागत है मैडम आपका। साथ में हमारे दूसरे मेहमान भी हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद रफी अता जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। योगेश सोनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में हैं, जो बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है, आपका भी स्वागत है। साथ में अश्विनी दुबे जी जो कि विधिक विशेषज्ञ हैं, आपका स्वागत। चेतनानंद सरस्वती जी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर आज बताएंगे कि आखिर है क्या, इसके पीछे क्या चीजें होनी चाहिए। साथ में नीलम दुबे जी हैं जो कि शिक्षा शास्त्री हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। आप लोगों ने वक्त निकाला R9 टीवी के माध्यम से देश और दुनिया तक इसके अलग अलग पहलुओं पर अपनी राय देने के लिए। मेरा पहला सवाल नेहा शालिनी दुआ जी आपसे ही है कि नाम फिरोज खान तो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। देखिए, बीएचयू यूनिवर्सिटी जो है वो दिस यूनिवर्सिटी इज फॉर
कल्चर, नॉट फॉर रिलीजन। मतलब जब मालवीय महामना जी ने भी इसकी स्थापना की तो यहाँ पर कोई हिंदू या मुस्लिम देख के इसकी स्थापना नहीं की गई थी। और जब आज हो रहा है ना जी, और जब मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि कुछ 15-20 दिन पहले ये जो शुरुआत हुई, ये वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं जिन्होंने वहाँ शाखा लगने पर आपत्ति जताई, उसके बाद से यहां धर्म की राजनीति शुरू हो गई। तो वहां कुछ ऐसे अराजकता वाले तत्व हैं जिन्हें जान के तूल दी जा रही है। वरना मैं बिल्कुल ये नहीं इस बात से एग्री करती कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा सकता। इस पर खामोशी क्यों है? कोई खामोशी सरकार की तरफ से, एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है? नहीं नहीं, कोई खामोशी नहीं है। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं क्योंकि यहाँ कोई, वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये तूल जो बकड़ा ये वाइस चांसलर के वहां पर संघ की वो नहीं होने देने के शाखा के विरोध में किया गया, तो गलत ही है। जब इतने वर्षों से, जब बीएचयू की पहचान ही संघ की वहां शाखा लगती थी इसी से है, तो आप उसकी पहचान क्यों खत्म कर रहे हैं? बाकी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि मानकों पर उसकी नियुक्ति होती है, उसके बाद में वाइस चांसलर भी सहमत में है अगर कि सब कुछ ठीक है, तो फिर ये हंगामा क्यों बरपा हुआ है? ऐश्वर्या अवस्थी जी, जी सर, मैं तो इसी बात पे यही कहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का बंटवारा तो हो ही नहीं सकता। हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि धर्म की तरफ, धर्म हर धर्म का सम्मान करें, लेकिन धर्म को इतना उस पर ना ले कि वो आपके दिमाग पे चढ़ावी हो जाए। यहाँ तो हम सबसे बड़ी बात ये कहेंगे कि जहाँ हम सब तरफ सर्व शिक्षा वो अभियान शुरू कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ देश हो, सब हो, लेकिन हम उसमें यहाँ आपसे ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले हम अपने मस्तिष्क को स्वच्छ करने की बात करें, उसकी सफाई करें। ये महज हंगामा खड़ा किया जा रहा है आपकी निगाह में, जिसका औचित्य नहीं है और जिसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। यस, ये बिल्कुल हंगामा, बिल्कुल अस्तित्व नहीं है। तो फिर ऐसे में बिल्कुल चेतनानंद सरस्वती जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ऐसे में ये महज हंगामा है, ये महज राजनीति है, ये महज आपसी सौहार्द को एक तरीके से ठेस पहुंचाने की कोशिश है कुछ अराजक तत्वों के जरिए, जैसा कि कहा गया? नहीं जब्बार जी, ऐसा नहीं है। देखिए, दो अलग अलग पूजा पद्धति है। एक पूजा पद्धति वो है जिसमें इस्लाम ये कहता है ला इला इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलल्लाह, हम अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत करना जायज नहीं मानते हैं। तो जब वो अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत को जायज नहीं मानते हैं, किसी की भी इबादत स्वीकार्य नहीं है, तो कोई भी मुसलमान किसी भी कर्म कांड को, हमारे यहाँ मंत्रोच्चारण होता है, हमारे यहाँ अग्नि का पूजन होता है, जो सब वर्जित है इस्लाम में, फिर कोई भी मुसलमान किस तरीके से इन कर्म कांडों को, भले ही उन्होंने शिक्षा, उनकी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है, इससे कोई आपत्ति नहीं है। ना, लेकिन धर्म का पालन करना, धर्म हर शख्स का निजी है, निजी है, धर्म हर शख्स का निजी है, उसका प्रोफेशन, लेकिन उसका प्रोफेशन, उसका पेशा, धर्म और उसका पेशा, रोजी रोटी दोनों अलग चीज है कि नहीं है? जब बाजी, या तो आप मुझे सुनना नहीं चाहते। देखिए, मैं उसी बात का जवाब दे रही हूँ कि शिक्षा पद्धति में उनको उन कर्म कांडों को पढ़ाना पड़ेगा, जब वो उन्हें वो स्वीकार्य नहीं है। तो कैसे तो आपने मान लिया कि फिरोज खान कर्म कांड को पढ़ाने में सक्षम नहीं है? क्या फिरोज खान ने कोई क्लास ली? दुर्गा पूजा में शामिल होने वाली नुसरत, जहां पर इस्लाम के जो मौलाना है, देवबंदी जो है, वो फतवा जारी करते हैं कि बर्खास्त हो गए इस्लाम से, तो एक आप अपनी बातों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अगर उलमा मौलाना उसे खारिज कर रहे हैं इस्लाम से, मगर वही नुसरत जहां दुर्गा पूजा में शामिल होती है ना, तो आपको उस व्यक्ति विशेष से, आप उस व्यक्ति विशेष से आपको विरोध क्यों है? आपको उस व्यक्ति विशेष से विरोध क्यों है? आपको उस व्यक्ति विशेष से विरोध क्यों? क्योंकि उसका नाम फिरोज खान है। हमारी संस्कृति को हम क्यों स्वीकार? उसने इनकार किया, फिरोज खान ने इनकार किया कि मैं ये कर्मकांड पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ, नहीं पढ़ाऊंगा। बात हमारी स्वीकार्यता की है, हमने खुले दिल से सब स्वीकार अब किया। ये स्वीकार्यता शिक्षा पद्धति में ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। ये स्वीकार्यता कितनी जायज है? इंटरप्ट करना चाहूंगा, समझ नहीं आ रहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, साध्वी जी जो बैठी है,
ये बात कर रही हैं। देखिए पहली बात तो वो जबरदस्ती नहीं आया, फिरोज खान जबरदस्ती नहीं आया बीएचयू में, बीएचयू प्रशासन ने उसे नियुक्त किया। सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, वो आदमी जबरदस्ती तो नहीं आ रहा, वो आदमी जबरदस्ती तो नहीं आ रहा। महामना मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना करी थी, जबादी इसकी स्थापना करी थी, मदन मोहन मालवीय ने एक प्रोफेसर को, एक अरबी प्रोफेसर को नियुक्त किया था, उनका नाम ये था मदन मोहन मालवीय ने महेश जी, श्री महेश नाम है उनका, श्री महेश नाम, श्री महेश चंद्र जी को नियुक्त किया था, वो अरबी के प्रोफेसर थे और आपकी तरह अरबी भी वो इस्लाम की धार्मिक जबान है, धार्मिक भाषा जिसमें कुरान है, अरबी में नमाज पढ़ी जाती है, अरबी में सब तमाम कलमात है, और एक प्रोफेसर हिंदू प्रोफेसर जब मदन मोहन मालवीय नियुक्त करते हैं उस हिंदू प्रोफेसर को अरबी पढ़ाने के लिए, और वो पढ़ाए जाते हैं और उनको वहां से मदन मोहन मालवीय और वहां से उनको लकब मिलता है मौलवी का, मौलवी महेश चंद्र का लकब मिलता है, तब कोई दिक्कत नहीं आती, तो आपको दिक्कत क्या है? आपको जामिया में दिक्कत नहीं आती? जामिया में गोपीचंद नारंग, गोपीचंद नारंग हेड ऑफ द उर्दू थे, जामिया में गोपीचंद नारंग हेड ऑफ द उर्दू थे, और हिंदी के हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती? आपको कहां से दिक्कत आ रही है? कुरान मुशरिकों के कत्ल को जायज चलाता है। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, मगर नीलम दुबे जी, एक सेकंड, मैं आप दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा, एक सेकंड, रफीयता साहब, एक सेकंड, मुझे सबके पास में जाना है, दोनों लोग वक्त काफी ले रही है, ठीक है, चर्चा में आपको आगे मौका दिया जाएगा। रफीयता साहब, क्योंकि सरकार ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। एक सेकंड, मैडम, चेतनानंद जी, रफीयता साहब, चेतनानंद जी, प्लीज दूसरों को मौका दीजिए, एक सेकंड सर, आंदोलन करने वालों को, जो मायावती की पार्टी का नहीं है, आंदोलन करने वाले सारे भगवान संघ के और किसी को मैरिट के आधार पर ही रखा जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, रफीयता साहब, प्लीज एक सेकंड, मैं आप दोनों की तरफ वापस आ रहा हूं, दूसरे मेहमान है जिनकी तरफ मैं अभी जा नहीं सका हूं शुरुआत में इस चर्चा में। ऐसे में नीलम दुबे जी, ये जो कुछ हो रहा है ठीक है, वो ये कहते हैं कि हमें संस्कृत की भाषा पढ़ाने पर उन पर कोई आपत्ति नहीं है, मगर कर्मकांड पढ़ाने पर हमें आपत्ति है। क्या फिरोज खान को चेक किया गया, वो कर्मकांड पढ़ाते हैं तो क्या हिंदू धर्म हिंदू आस्था के हिसाब से नहीं पढ़ा पा रहे? क्या उनको देखा गया कि वो इसमें सक्षम नहीं है? बिना देखे हुए सिर्फ इसलिए कि उसका नाम फिरोज खान है, हंगामा हो जाए इतने बड़े स्तर पर? बिल्कुल, यहाँ एज ए शिक्षा शास्त्री मैं यही कहूंगी कि प्लीज एजुकेशन को धर्म से दूर रखा जाए। हमारी शिक्षा जो है, एक हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं अपने आप को, जहाँ सभी धर्मों का स्वागत है। यदि हम इतने कट्टरपंथी हो गए कि किसी व्यक्ति को उसको जाने बगैर उसके खिलाफ बैठ जाएं या करें, तो हमारी शिक्षा हमको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। कॉलेज प्रशासन को आगे आना चाहिए, बच्चों को इस चीज़ को समझाना चाहिए या उनको बताना चाहिए कि एक मौका दें। यदि वो वहाँ विफल होते हैं तो आप कॉलेज प्रशासन सामने आ रहा है, मगर कॉलेज प्रशासन वो सख्ती नहीं दिखा रहा है, तो वही चीज है, सख्ती दिखाएं, अन्यथा क्या होगा? वो जिस तरीके से और भी यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं, और नेहा शालिनी दुआ जी, ये 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 बिल्कुल स्थिति क्या, कोई बढ़ावा नहीं दे रही। मैं आपको क्लियर यही बोल रही हूँ कि यहाँ पर कोई किसी पंडित की या पुजारी की नियुक्ति नहीं है, या किसी मस्जिद में मौलवी की नियुक्ति नहीं है, यहाँ अध्यापक की नियुक्ति है। खान शब्द देखकर पूरा फेवर करते हैं कि अध्यापक चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, पूरा अधिकार है अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी मेरिट की तरह वहाँ पर आने का। यहाँ पर कोई नहीं इसको फेवर कर रहा है, यहाँ वो लोग हैं जो चाहते हैं लड़ाई झगड़े और हिंदू मुसलमान हो,
ठीक है, वो लोग ये सब हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। अश्विनी दुबे जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि जब यूनिवर्सिटीज के अंदर, एक सेकंड रफीयत साहब, चेतनानंद जी एक सेकंड, ठीक है, शालिनी हाजी ठीक है, एक सेकंड, रफीयत साहब ठीक है, बहस को अलग एंगल पे मत ले जाइए ना, बहस को अलग एंगल पे मत ले जाइए। अब ऐसे में अश्विनी दुबे जी, क्या किसी यूनिवर्सिटी में जब किसी की नियुक्ति की जाती है तो क्या जिस विषय में, जिस भी धर्म के बारे में पढ़ाने के लिए नियुक्ति की जाती है, यह भी मापदंड होता है क्या कि वो उस धर्म का पालन कर भी रहा कि नहीं? ये क्या मापदंड होगा जब्बार साहब? सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाया है और जिसमें यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति है उसके लिए एक तो जो रिक्विजिट क्राइटेरिया है उसके मुताबिक जो नेट है, नेट इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब अगर मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी, किसी पद की भर्ती निकलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, तो या तो स्पेसिफिकली वहाँ लिखा होता है कि उस पर्सन को ये रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर उस एडवर्टीजमेंट में जो यूनिवर्सिटी ने एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया वहाँ ये नहीं है कि आप संस्कृत विभाग में पढ़ाने के लिए आपको सिर्फ हिंदू ही चाहिए या कर्मकांडी ही चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति जो इस भारत का नागरिक है वो आकर के अप्लाई करता है और वो जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को मीट आउट करता है, जाके सिलेक्शन कमेटी के सामने जाता है और अगर वो पास हो जाता है और सिलेक्शन कमेटी जो वहाँ बैठती है, सर्च कमेटी बैठती है, उसको जो अगर अपॉइंट करती है, तो यहां पर किसी का कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं एक बात को यह कहना चाहूंगा कि आप कबीर की बात कर लीजिए, देश के पहले जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी भी बात कर लीजिए, आप किसी की भी बात कर लीजिए इस देश में उठाकर, जिन्होंने शिक्षा को आजादी के बाद पहली बार इस देश में इंप्लीमेंट किया, उस समय ना तो यह क्राइटेरिया था कि जो कर्मकांड की बात होगी वहां मुस्लिम नहीं पढ़ाएगा और जहां मुस्लिम के बात होगी वहां हिंदू नहीं पढ़ाएगा। उर्दू के भी बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट करना चाहूंगा, आपकी बात आगे में ले जाऊंगा, लेकिन हमारे साथ में चक्रमणि जो कि बीएचयू के छात्र है, फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। चक्रमणि जी, ये विरोध किस लिए है? आपके लिए कहा जा रहा है या जिन लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि अराजक तत्व हैं जो कि हंगामा, सिर्फ हंगामे के मकसद से कर रहे हैं? आप एक बात मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि हमें अराजकता करनी होती, यदि हम अराजक तत्व होते तो उनका स्वरूप दूसरा होता है, जो भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों में और तमाम जगहों पर दिख रहा होगा आपको। हम शांतिपूर्वक अगर बैठे हैं तो ये कैसे अराजक हो गए? नहीं तो आपके तर्कों में कितना दम है? क्यों नहीं पढ़ा सकता फिरोज खान वहां पर जाकर के हिंदू कर्मकांड की बातें या फिर उसका ज्ञान या फिर संस्कृत की भाषा? यही महत्वपूर्ण है महोदय कि कई चीजें ध्यान देने की योग्य हैं। हमने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं पढ़ा सकता फिरोज खान, हमने हमारा विषय यह है कि माननीय फिरोज खान जी यदि पढ़ना चाहते हैं, वेदांग ही पढ़ाना चाहते हैं, तो हम तो उदार पढ़ा के लोग हैं, हम लोग भारतीय संस्कृति का पालन करने के लिए आते हैं। आप लोग उन्हें यूनिवर्सिटी में आने ही नहीं दे रहे, पढ़ाने नहीं दे रहे। नहीं, यह विषय बिल्कुल गलत है। यदि वह यह स्पष्ट कर दे कि हम वेदांग परंपरा के अनुसार जो नियम है टीका सूत्र धारण करने का, यज्ञ पवित्र धारण करने का, श्रवणी उपकर्म करने का, हम सभी लोगों के लिए है नियम, यदि यह नियम वह पालन करने के लिए स्वीकार करते हैं तो हम तो उनका खुले दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सर एक बात पूछना चाहूंगा मैं, ये जो स्टूडेंट है चक्रपाणि जी, मैंने अभी कोट किया था मदन मोहन मालवीय जी संस्थापक थे बीएचयू के, इन्होंने सर्वप्रथम महेश, जो प्रोफेसर महेश चंद्र हैं कोई उस जमाने में थे, वो अरबी के प्रकांड विद्वान थे, अरबी के। मुझे लगता है कि अरबी जो इस्लामी जबान है, धर्म की जबान है, तर्कों की कमी है, तर्कों की कमी है, अपनी बात को सही तरीके से रख ही नहीं पा रहे, उनका मकसद क्या है और उसके पीछे उनका तर्क क्या है, मुझे लग रहा है कि इसी में कंफ्यूज है। ठीक है, ठीक है योगेश सोनी जी, ठीक है एक सेकंड ठीक है एक सेकंड योगेश सोनी जी, क्या महज इस पर राजनीति, इसका राजनीतिकरण हो जाए, क्या महज ये मुद्दा बड़े स्तर पर एक बाउंडर के क्षेत्र में समाज में जाए, इसलिए प्रशासन से लेकर के सरकारें भी खामोश है? रफीयता साहब, चेतनानंद जी एक सेकंड योगेश सोनी जी,
राम का लड्डू भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है जनाब, वो गरीब है, उसको मजहब कहाँ समझ में आता है। आज हम जितनी यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं देश की बड़ी बड़ी, इवन छोटी सी, हम छोटी को भी नोट करें तो आज स्थिति इतनी बद से बदतर होगी कि वो राजनीति के अखाड़े बन गए हैं। जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति आ जाती है समझो इस समय, वो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। ये चीज कहां से पैदा होती है? अभी मैं एक स्टोरी कवर कर रहा था जहां पर गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा के लिए वहां पर इतने हजारों तादाद में वहां प्रदर्शनकारी पहुंचे, तो रिपोर्टिंग के दौरान मैंने उनसे पूछा भाई आप लोग यहां पर क्यों आए हो, तो उनको ये भी नहीं पता था कि हम यहां पर क्यों आए हैं। तो जो भीड़ है वो ठेके पे उठाई जाती है, वहां पर जो नए नए स्टूडेंट्स कॉलेज के थे उनको एसपीजी की फुल फॉर्म तो छोड़ो, उसको उनको ये तक भी नहीं पता कि हम क्यों आए। तो हमारे देश का इस समय जो दुर्भाग्य है, और ऐसी स्थितियों में क्या ये पहली बार हुआ जब्बार मियां, इससे पहले पूर्व में क्या हमने कभी किसी हिंदू या किसी मुस्लिम शिक्षक से उसके ऐसे विपरीत सब्जेक्ट नहीं पढ़े? हमने खूब पढ़े हैं। ये स्थिति पैदा आज के दौर में इसलिए हो रही है कि इतनी सी बात को जब हवा कोई दे दी जाती है तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है। एक घटना को आंदोलन बनाने में जो आज सोशल मीडिया का हाथ है या जो ऐसे नेताओं का हाथ है, वो हमारी दिशा और दशा को दुर्भाग्यपूर्ण के पीछे कौन जिम्मेदार है फिर? देखिए जब जो इस समय तंत्र का और मालिक होता है वो जिम्मेदार होता है, अगर जो मौजूदा सरकार है, देखिए जिम्मेदारी तो उसी की बनती है कि इस मसले को शांत करा जाए, अब नेहा शालिनी दुआ जाए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इसको गहनता से नहीं लेंगे तो ये जो आज का मंजर है, ये आज तो हमने फसल लगाई, जब इसके कांटे निकलेंगे तो शायद इससे भी ज्यादा दूर होगा। नेहा शालिनी दुआ जी, ये जानबूझ करके एक चुप्पी खामोशी बरती जा रही है। बिल्कुल नहीं, आप देखिए मैंने पहले बैठते साथ ही कहा कि इसका हम खंडन करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सवाल सिर्फ खंडन करने का नहीं है, और जमीनी स्तर पर चीजें दिख रही है, एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ जा रहा है। आप देखिए तीन हफ्ते से जेएनयू में क्या हो रहा है, या जब अफजल गुरु के नारे लग रहे थे जेएनयू में, तब हमारी सरकार तो कुछ नहीं कर पाई ना, यहाँ इस चीज को जायज ठहरा रही, जायज नहीं मैं ठहरा रही, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आजकल जो यंग, बिल्कुल जब विवेकानंद जी की मूर्ति के साथ उन्होंने छोड़ा गया तभी सरकार के लिए सरकार ने बर्दाश्त किया। तो आप ये गलत बात मत कहिए, सरकार गलत तत्वों के साथ नहीं है। चेतनानंद सरस्वती जी, क्या फिरोज खान के बारे में किसी ने समझने की कोशिश की? वो शख्स जिसने 5 साल के उम्र के बाद से संस्कृत को पढ़ना समझना शुरू किया, जिसके पिता भजन कीर्तन करते हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, खुद फिरोज खान 10 में से 10 नंबर ला करके इस यूनिवर्सिटी में उस मापदंडों को पूरा करते हुए आते हैं, और उसके बाद में अभी तक एक क्लास नहीं ले पाए, क्या फिरोज को किसी ने समझने की कोशिश की? बिना समझे ये विरोध जायज है आपकी निगाह में? देखिए जब्बाजी, समझने की बात तो ये है, मैं इसीलिए क्योंकि मैंने आपका कंसर्न समझा कि ठीक है, एक वो शख्स जो शख्स हिंदू धर्म का पालन नहीं करता है या दिल से नहीं कर पाता क्योंकि वो शख्स किसी और धर्म को मानता है जिस धर्म में मूर्ति पूजन जायज नहीं है, और जहां पर उस फैकल्टी में जाने के बाद में क्लास लेने से पहले उसे वहां पर भगवान शिव की मूर्तियां हैं, दूसरी और मूर्तियां हैं जिसे जाकर के नमन करना होगा और वहां पर जाकर के श्रद्धा भी दिखानी होगी, शायद वो दिल से ना कर सके, ये आपका कंसर्न समझ में आता है, मगर सिर्फ यहां पर पढ़ाई की बात है, वो शख्स किस धर्म का पालन करता है, उस शख्स के दिल में भगवान है या अल्लाह है या फिर जीसस है, गॉड है, जो भी है, वो एक अलग पहलू है, लेकिन कर्म कांड की पढ़ाई अगर वो शख्स नहीं कर पाता है सही से, फिर उसके ऊपर ये जायज होगा विरोध करना। मगर इस विरोध के चलते क्या देश के अंदर एक अलग किस्म का माहौल नहीं बनेगा? जबाजी मैं 5 मिनट लूंगी अपनी बात कहने के लिए। मैडम 5 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जल्दी से 2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। देखिए जो प्रश्न आपका है उसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे चक्रमणि जी अभी कह रहे थे जो BHU के छात्र हैं और वहाँ धरने प्रदर्शन पर वो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा शिखा का धारण करना और यज्ञोपवीत धारण करना, क्या ये फिरोज खान जी कर पाएंगे? देखिए शिक्षा को ग्रहण करना और शिक्षा को प्रैक्टिकली क्या पता फिरोज खान वो सारी प्रक्रिया को करते हैं जो कि वहाँ के लिए जरूरी है। में बहुत अंतर आप लोगों ने अभी तो परखा ही नहीं ना दोनों चीजों में। यहाँ सिर्फ फिरोज खान ही नहीं है, यहाँ एक उदाहरण वो भी है जहाँ एक नबी की गुस्ताखी में कुछ शब्द कमलेश तिवारी जी कह देते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है, ये भुलाया नहीं जा सकता, ये इतिहास जो लिखा जा रहा है निश्चित रूप से। तो कमलेश तिवारी, कमलेश तिवारी हत्याकांड और फिरोज के इस पूरे प्रकरण को एक करके देखा जा सकता है, क्या फिरोज अपमान कर रहे हैं? क्योंकि फिरोज खान एक ऐसी क्या फिरोज खान अपमान कर रहे हैं? शिक्षा पद्धति कुछ
कुछ भी ली हो, लेकिन वो संप्रदाय जो जिसने कभी किसी के लिए अपनी बाहों को खोला नहीं है, जिसकी स्वीकार्यता भारत में तो उस संप्रदाय के खिलाफ, उस संप्रदाय की तरफ से जो मैसेज दिया गया वो फिरोज खान के ऊपर उसका पूरा ठीकरा फोड़ देंगे, फिरोज खान के ऊपर पूरा ठीकरा उसका फोड़ देंगे। ये सही है, ये सही है। आपसे सौहार्द की बातें क्या ऐसे की जाती है? हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, सीधे सीधे बात कीजिए ना। नहीं नहीं, चेतनानंद जी एक सेकंड रफियता साहब, चेतनानंद जी एक सवाल, चेतनानंद जी एक सवाल, एक सवाल, दो पहलू हैं। एक बार आप देखते क्या उस पद्धति को वो अपनाते हैं फिरोज खान या नहीं अपनाते हैं, एक बार एक मौका आपको दिया जाना, आपको देना चाहिए था कि नहीं। दूसरा एक सवाल, एक सवाल ठीक है, एक बहुत सामान्य सा सवाल है, एक बहुत सामान्य सा सवाल है, शिक्षक से शिक्षा लेने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है वो, उनकी मने ये तो अराजकता है, तो आप ये तो अराजकता है, ये तो छात्रों की मनमानी है। फिर तो कल को कोई भी कहेगा कि मुझे ये टीचर पसंद नहीं है, इस प्रोफेसर की नियुक्ति को रद्द किया जाना चाहिए, कोई भी छात्र आकर के बाहर करेगा, हंगामा करेगा, स्ट्राइक करेगा। मेरा एक सीधा सवाल आपसे, एक सेकंड मैडम, चेतनानंद सरस्वती जी एक सेकंड, गल्फ कंट्रीज के अंदर, सऊदी अरबिया या ऐसी जगहों पर जहां पर भारत के अंदर गैर मुस्लिम किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हिंदू जो यहाँ पर भारतीय संस्कृति में रहा, पला बढ़ा है, जिसने फारसी की पढ़ाई की, जिसने अरबी की पढ़ाई की, जिसने इस्लामिक स्टडीज की पढ़ाई की, वहां जाता है तो वो उस जगह में, उस यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई करने के बाद में उसे पढ़ा सकता है, पढ़ाता है, क्या ये चीज है? क्या ये चीज है? क्या यहाँ का प्रकांड पंडित वहाँ अरब कंट्रीज में जाकर संस्कृत पढ़ा सकता है? क्यों नहीं पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता है? क्यों नहीं पढ़ा सकता है? हजारों एग्जाम्पल धर्म में किसी गैर, क्यों नहीं पढ़ा सकता है? धर्मी का विधर्मी का गल्फ कंट्रीज में अभी 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 एक मंदिर का निर्माण भी तो हो रहा है, वहाँ इजाजत तो दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर। जब्बार जी कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ाए लेकिन कर्मकांड वो नहीं करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। शिक्षा, शिक्षा और धर्म का पालन दोनों अलग अलग चीज है। जानकारी, जानकारी नॉलेज रखना, उसे दूसरे तक पहुंचाना और उसका पालन करना दोनों अलग अलग चीज है। आप मिक्सअप क्यों कर रहे हैं इस बात को लेकर के? एक सेकंड रफियता साहब, एक सेकंड, शिक्षा, शिक्षा जानकारी हासिल करना, उसे दूसरे तक पहुंचाना एक चीज है, हम किस धर्म को मानते हैं, किस में हमारा विश्वास है उसका पालन करना कर्मकांड एक अलग चीज है। कर्मकांड का ज्ञान क्यों नहीं दे सकता? क्यों संस्कृत, देखिए सत्य सनातन वैदिक संस्कृति की पद्धति को आगे बढ़ाना, उसमें बहुत सारे ऐसे ठीक है जिसमें वेदमूर्ति शास्त्री जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हैं, ठीक है, ठीक है, करना पड़ेगा, ठीक है, वेदमूर्ति शास्त्री जी हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। सर, सर ये जो कुछ चल रहा है, ये जो कुछ चल रहा है, इस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? और अगर ये ठीक है, अगर ये ठीक है तो किस किस्म की ये शुरुआत है? एक सेकंड रफियता साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रफियता साहब, रफियता साहब एक सेकंड, एक सेकंड रफियता साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे सर राजनीतिक बहस मत बनाइए ना इसे, राजनीतिक बहस मत बनाइए रफियता साहब, राजनीतिक बहस मत बनाइए ना इसे, अरे सर राजनीतिक बहस क्यों बनाते हैं? चेतनानंद सरस्वती जी एक सेकंड रुकेंगे, आप दोनों रुकेंगे, एक सेकंड, एक सेकंड, जब्बार साहब एक शेर कहूंगा इनके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए, 132 भारतीयों के लिए। तेरा भगवान मेरा जाफरानी दोनों है एक, तेरा भगवान मेरा जाफरानी दोनों है रंग एक, तो फिर फर्क कैसा? तू हिंदू मैं मुसलमान दोनों है हिंदुस्तानी, तो एक सेकंड, एक सेकंड, राजनीतिक, राजनीतिक दिशा में इस बहस को मत लाइए। एक सेकंड रफियता साहब, सर अभी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर थोड़ी देर के लिए बात मत कीजिए, एक सेकंड, मैं सर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। अच्छा ठीक है, अपनी बात, डिबेट जो है ये शिक्षा के ऊपर ना हो के ऐसा लग रहा है जैसे एक राजनीतिक रंग लेती जा रही है बार बार। ये शिक्षा शास्त्री के रूप में मेरा कहना यही है कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखा जाए, मगर वो चीज हो नहीं पा रही है। डॉक्टर सत्यपाल यादव जी हमारे साथ में बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, सर उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे साथ में जुड़े हुए सर, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे मैडम एक सेकंड, एक सेकंड जरा,
प्लीज मछली बाजार मत बनाइए, प्लीज मछली बाजार मत बनाइए। एक सेकंड, रफियता साहब थोड़ा सा शांत होंगे सर, आप सर आप थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज, ठीक है। हमारे साथ में बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो तो भारत की जनता बता देगी सारी दुनिया। सर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ चल रहा है, आप लोग उसके समर्थन में हैं या फिर उसके विरोध में? सत्यपाल साहब, हेलो जी, आपकी यूनिवर्सिटी में जो कुछ चल रहा है कैसे उसे देखा जाए, कैसे उसे समझा जाए, आप लोग समर्थन में है या विरोध में? देखिए सर, दो बातें, पहली बात ये है कि उनकी नियुक्ति जो हुई है वो यूनिवर्सिटी बंद कर बता रही है, और इसके लिए पूरी कमेटी की थी, इस कमेटी में सभी लोग थे, उन्होंने नियुक्त किया है। एक बात तो ये है, दूसरी बात जो है वो ये है कि वो बच्चे जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर फिरोज जो खान है वो संस्कृत विद्या धर्म के लिए नियुक्त हुए हैं और उनकी नियुक्ति संस्कृत विभाग में होनी चाहिए थी, उनका कहना यह है। तो यही दो बातें समझ में आ रही है, लेकिन और बातें हम लोग को पूरी पता तो फिर आप लोगों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना, यूनिवर्सिटी प्रशासन की जिम्मेदारी कुछ बनती है या सब कुछ जो कुछ हो रहा है उसे चलने दिया जाए, छोड़ दिया जाए? लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो एकदम सही से उनकी नियुक्ति की है, यूजीसी के रूल्स के अनुसार की है, ठीक है सर, यही हम कहेंगे कि आप लोग जरा आगे बढ़िए। अगर प्रशासन ये कह रहा है कि साहब नियुक्ति बिल्कुल सही है, उन्हें नहीं हटाया जाएगा, तो फिर इसको जमीनी स्तर पर कौन लाएगा, यह हंगामा कब खत्म होगा? ऐश्वर्या अवस्थी जी, अब ऐसे में चूंकि आप खुद एक प्रोफेसर है, ऐसे में किस किस्म की स्थिति उत्पन्न होती है जब जिन बच्चों को आपको पढ़ाना हो वही आपका विरोध करने लग जाए? सर देखिए, बच्चे तभी विरोध करते हैं जब वहां पर कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो उन बच्चों को गलत राह देते हैं, अदरवाइज बच्चे पढ़ने विश्वविद्यालय से पढ़ने के लिए आते हैं, वो कोई यहाँ राजनीति करने नहीं आते, और ना धर्म की राजनीति तो कोई शिक्षक भी नहीं पढ़ा कराता। तो ये जो कराया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे अपने आप कर रहे हैं, इनको भड़काया जा रहा है आपके हिसाब से, साजिश है, राजनीति है जी, उनको भड़काया जा रहा है, ठीक है। अब ये भड़काने का काम कौन कर रहा है आपके निगाह में? राजनीति हो, और ये मतलब मैं एक सवाल है, फिर जेएनयू में जो हो रहा है, जेएनयू में जो पिछले बहुत दिनों से हो रहा है, उसको कौन कर रहा है? धर्म के ठेकेदार है केवल, यही का जेएनयू में जो कुछ हुआ, विवेकानंद जी की प्रतिमा तोड़ी गई, राजनीति है, वहाँ भगवा जलाएंगे ये लिखा गया, भगवा जलेगा ये लिखा गया, और जो कुछ वहाँ अश्लीलता के साथ लिखा गया, प्रतिमा क्या, बच्चों से पूछिए वो सब क्या है। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को तोड़े जाने या कुछ अपशब्द लिखने वालों ने आकर के नहीं कहा कि हमने सही किया, वहां पर कार्रवाई हो रही है, सही किया का उसको कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि हम सही कर रहे विरोध करके, बीएचयू के साथ में हिंसक नहीं है वो, शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, कैसे इसको देखे आपके निगाह में, चूंकि आप वेदों के विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ऐसी स्थिति में ठीक है, गलत कैसे बैठे हुए हैं आप बताइए ना, गलत क्यों बैठे हुए हैं, बताइए ना गलत कैसे बैठे हुए हैं, वो गलत बैठे हैं, आप एक शिक्षक होकर के अगर आप अगर नहीं, मैं बता रही हूँ ना, वो गलत है, क्योंकि अगर एक शिक्षक वहाँ पर आगे पढ़ाने आया तो वो रिलीजन की राजनीति करने नहीं आया, को पढ़ाने आया है रिलीजन, वो अगर रिलीजन की बात है क्योंकि वो संस्कृत भाषा रिलीजन पढ़ाने नहीं, गलत आप बता रही, वो संस्कृत विषय पढ़ाने आए, वो संस्कृत विषय पढ़ाने आए से पहले, नहीं मैडम, मैडम गलत कह रहे हैं, पढ़ाने आए ठीक है, वो पढ़ के पढ़ाने आए, वो पीएचडी है, वो क्वालिफाइड है, उन्होंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया, उन्होंने कुछ भी कह दी हो उसके बाद वो उनका पर्सनल मैटर है, वो किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करते हो नहीं, ये शिक्षक है, ठीक है, वैदिक धर्म गुरु, ठीक है एक सेकंड ठीक है, वेद मूर्ति शास्त्री जी, आप वैदिक धर्म गुरु भी हैं, ये जो कुछ चल रहा है, क्या फिर ऐसी स्थिति में रहीम के दोहे जला दिए जाने चाहिए, तुलसीदास की पोथियां जला देनी चाहिए, स्वामी विवेकानंद का वो भाषण जो कि शिकागो में उन्होंने दिया, क्या उसे फाड़ कर जला करके फेंक देना चाहिए? छात्रों ने जब बाजी हमने सबने देखा है, रहीम खान भी है इंदिरा नगर में,
अरे सर यहाँ एक सेकंड वेदमूर्ति जी, मुस्लिम रहता है। ठीक है ठीक है, ऐश्वर्या जी आ रहा हूँ आपकी तरफ। ठीक है, यहाँ 40% मुस्लिम रहता है, 40% मुस्लिम रहता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सारी सत्ता उनके हाथ। ठीक है, एक सेकंड मुझे, मैं अभी उनकी तरफ जा नहीं सका हूँ, प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए आप लोग। एक सेकंड ऐश्वर्या जी, चेतनानंद जी, एक सेकंड प्लीज, किसी को खराब करने का ठेका उन्हें दे दिया। ठीक है ठीक है, वेदमूर्ति शास्त्री जी, जी देखिए हमारे वेदों में सर्वप्रथम, आप बोले सर आप अपनी बात रखें। देखिए ज्ञान और संस्कार, देखिए सबसे पहले जब, ठीक है दीदी जी, सबसे पहले जब हम वेदारंभ करते हैं तो वेदारंभ से पूर्व, देखिए सबसे पहले वेद पढ़ाने का अधिकारी कौन है? ठीक है, अधिकारी होना पहले, देखिए ज्ञान और शिक्षा सबको ही दे सकते हैं, किसी भी धर्म को दे सकते हैं, लेकिन वेद और कर्मकांड का जो ज्ञान दे सकते हैं, कहा गया गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचायतान संस्मरण नित्यम वेद वाणीम प्रवर्तये। वेद की शिक्षा वही दे सकता है जो प्रारंभिक काल से उसका संस्कारवान हो, उसको यज्ञोपवीत संस्कार हो, क्योंकि कहा गया जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठित भवेद विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। जब तक उसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान न हो, ब्रह्म का ज्ञान कब आएगा? जब वह सनातन धर्म का अनुयायी होगा। मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि देश का संविधान ठीक नहीं है, उसमें बदलाव की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटीज के लिए में जो एलिजिबिलिटी रखी जा रही है वो ठीक नहीं है, तो फिर जब देश का संविधान इजाजत देता है, जब यूनिवर्सिटी का मानदंड इजाजत दे रहा है, जब शासन ये कह रहा है, किस आधार पर आप कह रहे हैं? मदन मोहन मालवीय जी ने जब उस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, उसमें योगदान मैं आपको बता दूं कि जब उतना बड़ा विश्वविद्यालय का निर्माण होना था तो उन्होंने सोचा कैसे होगा, तो लोगों ने बताया कि लखनऊ में नवाब रहते हैं, वो बहुत बड़ा धनी है, अगर एक सेकंड उनके पास, उन्होंने लखनऊ के नवाब ने कहा कि अगर उसमें हिंदू शब्द हटा देंगे तो जितना धन लगेगा बीएचयू बनाने में पूरा धन दे देंगे। आप लखनऊ के एक नवाब का ठीकरा पूरे संविधान पर आपने फोड़ दिया। लखनऊ का एक नवाब जिसकी अपनी ज़हनियत थी, जिसकी अपनी मानसिकता थी, उसकी मानसिकता को आपने तमाम उस पूरे समुदाय के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। तो तब जाकर के मालवीय जी ने, ऐसी होती जा रही है ना जब्बा जी, दुख का विषय तो ये है। नहीं नहीं देखिए, विवाद का विषय ये है। ठीक है नीलम दुबे जी मैं आपकी तरफ आने सका काफी देर से, और उसके बाद मैं आता हूँ अश्विनी दुबे जी और योगेश सोनी जी आप दोनों की तरफ। नीलम दुबे जी, ये सवाल ये कि इन तमाम चीजों के बाद में इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि साहब वही रहेंगे, वही पढ़ाएंगे, हासिल होना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब हो रहा है। जी देखिए, विवाद इसका हल निकालेंगे, धर्म के ठेकेदार बाहर जाए। नहीं नहीं, नीलम दुबे जी, हम अपने नीलम दुबे जी, ये एक स्वस्थ मानसिकता के साथ बहस हो रही है, तो इसमें मैं यही कहना मैडम, अगर आप मौका देंगी तो नीलम दुबे जी, नीलम दुबे जी की बात, यदि जो विवाद हो रहा है, या तो कॉलेज प्रशासन जब नियुक्ति निकालती है उसी समय लिख दे साइड में कि आप ये धारण करेंगे, ये चीज होगा, तब आपको नियुक्ति दी जाएगी, उस समय ये मेंशन नहीं होता है कि ये आप यज्ञोपवीत धारण करेंगे। अधिकारी है वो, मैं बताता हूँ,
अश्विनी दुबे जी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अश्विनी दुबे जी, तो फिर ये कहा जाए कि हिपोक्रेसी अपनाई जा रही है जेएनयू प्रशासन की तरफ से या प्रशासन और सरकार की तरफ, माफ कीजिएगा, बीएचयू प्रशासन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से? देखिए, सख्ती क्यों नहीं बढ़ती जा रही? कोई सख्ती बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, सामान्य होते हैं हर जब भी कोई लड़ाई होता है, सब कुछ चल रहा है, उसको सामान्य पढ़ाई पढ़ाई वहाँ डिस्टर्ब है, क्लासेस नहीं हो रही, सामान्य करने में टाइम लग जाता है, लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि उन्हें निकाल दिया जाएगा। अश्विनी दुबे जी, शिक्षा और राजनीति को अलग रखते हैं, जानबूझ करके ये सब कुछ होने दिया जा रहा है? यूनिवर्सिटी का जो कैरेक्टर होता है वो ऑटोनोमस कैरेक्टर होता है, जानबूझ के कराया जा रहा है। सरकार चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी जो यूनिवर्सिटी का बेसिक कैरेक्टर होता है वो ऑटोनॉमस कैरेक्टर होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता है, लेकिन जो वहां पर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, एडुकेशन और बाकी चीजें चलती हैं, वह यूजीसी या तो रेगुलेशंस को फ्रेम करती है, एमएचआरडी नोटिफिकेशन इशू करती है, या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप अमेंडमेंट लाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से। यहाँ जो फिरोज खान की नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति जब तक अवैध नहीं ठहराई जाती है तब तक कॉन्स्टिट्यूशनली भी, मोरली भी और लीगली भी फिरोज खान की नियुक्ति वैध है। अगर उन सारे पैरामीटर्स को जो यूजीसी के लेट डाउन किए गए पैरामीटर्स हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो अपॉइंटमेंट के हैं, तो तब तक फिरोज खान को वहां से फोर्सफुली रोकना ये कानूनन ठीक नहीं है। अब यहां पर अब कॉन्स्टिट्यूशन और जो सेलेक्टिव डिफिनेशन कानून का उल्लंघन हो रहा है ना, देखिए अब वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि स्टूडेंट्स कानून का वॉयलेशन कर रहे हैं या जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसका अपॉइंटमेंट का पैरामीटर ठीक नहीं है। लेकिन जब क्राइटेरिया जब यूनिवर्सिटी ने पोस्ट एडवर्टाइज किया, उस पोस्ट एडवर्टाइजमेंट के बाद सिलेक्शन कमेटी ने डॉक्यूमेंट्स स्क्रूट करने के बाद, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्क्रूटनी करने के बाद ये पाया कि ये पैरामीटर्स सारे मीट आउट करते हैं, उसके बाद हम इनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तब तक उस नियुक्ति को लीगली चैलेंज या तो उसको अवैध कर दें। ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये नियुक्ति तो बिल्कुल सही है, तो जब नियुक्ति सही है तो जब तक उस नियुक्ति को लीगली चैलेंज नहीं किया जाता, खत्म नहीं किया जाता, तब तक फिरोज खान तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कैरेक्टर है ही है यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना है, बार बार आप लोग सरकार 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 सरकार, आप लोग सबसे पहले समझिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भले वो क्लास वन होता है लेकिन वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लिखता है, यूनिवर्सिटी प्रशासन मौन हो जाए, यूजीसी और एचआरडी मिनिस्ट्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो आप लोग कराना चाहते हैं, योगेश सोनी, योगेश सोनी, योगेश सोनी जी, एक सेकंड साथ, एक सेकंड योगेश सोनी जी, यूनिवर्सिटी मौन हो जाए, मौन धारण कर ले, तो फिर एचआरडी मिनिस्ट्री और यूजीसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है, राज्य की जिम्मेदारी होती है, देश की जिम्मेदारी होती है, तो सबसे पहले हमें सिर्फ यही समझना चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, देखिए ये चर्चा आप दोनों के बीच में नहीं है। रफिया ताशा, एक सेकंड, चेतनानंद जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड, दूसरे लोगों के नजरिए भी आने दीजिए। तो बात कर रहे हैं, अगर आप उसको नियुक्ति को रद्द कर दोगे, रफिया ताशा भी ठीक नहीं है। एक सेकंड, एक सर, इनकी बात आने दीजिए। देखो योगेश सोनी जी, जी क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, आप कह रहे हो करना, ये कोई सरकारी उसके हाथ में नहीं है, ये एक सिस्टम बनता है कानून के तहत। जैसा भी हम बता रहे थे अभी, हमारे पंडित जी कह रहे थे कि अगर इस तरीके का व्यक्ति जो मास्क खाता है वो नहीं करता, तो इससे पहले जो आज भी नियुक्तियां हुई है, एक मिनट, जो नियुक्तियां इससे पहले भी हमारी जो इतिहास में हुई है शायद वो सारी गलत थी। अगर मैं ये कहता हूं कि ऐसी चीज सामने आती है तो इसका जो समाधान या कोई बात है वो उस तरीके से होनी चाहिए जो राजनीति, जो जो आज क्या नाम है यूनिवर्सिटी के ग्राउंड से राजनीति जो उठ के आ रही है, लोग इसका कौन लोग फायदा उठा रहे हैं, कौन लोग इसको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। एक मुद्दे को हमें मुद्दे के तरीके से बात करनी चाहिए, उसके इर्द-गिर्द की दुनिया में क्या हो रहा है और उससे पुराने कनेक्शन जो हैं वो शायद बहुत गलत हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि फिरोज
अपनी जो अपनी फैमिली में उसके फादर साहब जो मैं आपके टीवी पर देख रहा था वो भजन गाते हैं वो उनकी एक अपनी आस्था की बात हो सकती है। मेरा उर्दू का शिक्षक अगर हिंदू हुआ करता था एक जमाने में तो वो शायद गलत उसी बीएचयू में सबसे बड़ी डिपार्टमेंट में एक हिंदू शिक्षक पढ़ाते एक नहीं कई सारी चीजें मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे आपको कुछ अध्यापक कुछ प्रोफेसर दिखा दूंगा बात वो नहीं है लेकिन इसकी जो स्थिति है जो एक सेकंड रफी साहब, सुनो गलत या सही की बात नहीं, बात यह है कि एक चीज जो उत्पन्न हो रही है उसका समाधान हमारे जैसे विशेषज्ञ दे, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, हम ये कह रहे हैं कि इसका समाधान हमारी कोई डिबेट देख रहा है हमें बतौर या एक्सपर्ट बिठाया जाता है वो हम ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका इसका असर लोगों पर पड़ रहा है करना या बातें करना वेदमूर्ति जी गलत है जी जब्बार भाई सर एक मिनट वेदमूर्ति जी जी देखिए वेदों और शास्त्रों का अधिकारी के लिए देखिए गुरुकुल में जो पढ़ते हैं जो गुरुकुल में पढ़ करके गुरु के पास दीक्षा प्राप्त करके और जो पूरा वेदों का अध्ययन करके यहाँ तक कि देखिए कपड़ों का भी पहन के आना वेदों का शास्त्रों का वो है वो त्रिकाल संध्या कर रहे हैं कि नहीं प्राइवेट धोती पहन के आते हैं कि नहीं ये आपकी सारी बातें देखिए संस्कार भी एक प्रभावित यूजीसी को क्या बदलाव करना पड़ेगा ज्ञान के साथ साथ क्या यूजीसी क्योंकि गुरु कर्मकांड पढ़ाने वालों के लिए ऐसे मापदंड लाए आप लोग ये चाहते हैं तो बनवाइए साधारण बनवाइए ना गाइडलाइंस गुरु का जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात स्वरूप ठीक है नीलम दुबे जी नीलम दुबे जी मुझे बता दीजिए 24 लाख गुरुकुल नीलम दुबे जी नीलम दुबे जी एक आखिरी कमेंट एक सेकंड मुझे नीलम दुबे जी और ऐश्वर्या जी की तरफ जाना फिर चतुर्थी की तरफ एक सेकंड गलत है नहीं आप बताइए कौन सा आप मैं कानून की शिक्षा तो दे रहे हैं जिसमें कॉन्वेंट स्कूल में है एक आपके प्रिंसिपल को हिंदू बता दीजिए आप बताइए मोहन मालवीय क्यों गलत है न्याय शाले द्वारा जी क्या आप लोग समझाने का काम नहीं करेंगे छात्रों को समझाने का काम नहीं करेंगे मुझे वाइंड अप करने का चले मैं बहुत माफी के साथ में मैं नीलम दुबे जी की तरफ नहीं आ सका ऐश्वर्या जी की तरफ नहीं आ सका बहुत सारे और मेहमान बचे आखिरी कमेंट के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए न्यायशालिनी दुआ जी रफी अता साहब योगेश सोनी जी अश्विनी दुबे जी चेतानंद सरस्वती जी नीलम दुबे जी और ऐश्वर्या अवस्थी जी और वेदमूर्ति शास्त्री जी आप सब लोगों ने वक्त निकाला और इस मुद्दे के अलग अलग पहलुओं को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीजों पर अब आगे वो तस्वीर देखने को मिलेगी जिससे आपसी सौहार्द बिखरे ना और संविधान के तहत या फिर किसी की आस्था को ठेस भी ना पहुंचे उसके लिए क्या हो सकता है यूनिवर्सिटी प्रशासन से लेकर के यूजीसी और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही आप देखते रहिए ऑनलाइन टीवी। जब पढ़ा सकता है धर्म की बात तो मंदिर का पुजारी भी बन सकता है। यह विरोध केवल नियमों के अनुपालन का है। क्या शिक्षा से ऊपर आज धर्म को मान रहे लोग मूल्यों का हवाला देके अगर मुसलमान को या फिर दलित को पढ़ाने से रोकते हैं तो हम इसका कड़ा प्रतिरोध करते हैं।